मैं रीना ग्राम धारा से, यहाँ पे मेरे मतलब इस रोग के पीड़ित हैं जो मिर्गी दौड़ा पड़ता है। मेरे पात्र का नाम है दीनानाथ यादव और ये है मेरा समुदाय। कौन मतलब ये रोग मतलब हुआ है उनको? अब मैं वो गिरा ना तो घुटे लागल है, तब हमारे जो उठावत नहीं छुमा बनावे कि बीमारी धैले। ये कब से है, किस कितने सालों से? अरे अब 40 से कम आए। क्या इसका आप दवा नहीं करवाई? दवा कैल गई, दवा जब पैसा कौड़ी रहे कराई, जब नहीं रहे तो गरीब मनई कहाँ से कराई। बीमारी के लेकर के आप कई काम कर पाते हैं? दीनानाथ जी हैं जो, उनके आप क्या लगती हैं? उनका छोट भाई उला गिला। तो मतलब इनको जब ये मतलब ये बीमारी मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो आप किस तरह से मदद उनका करती हैं? अब किस तरह से, तो छुए नहीं चाहिए लेकिन का करी, मजबूरन छुए ला उठाए ला पोछी ला लार पोटा सीधा कह दे ला उठा दे ला अपने उठावल जाए अपने बैठावल जाए, जहाँ नहीं पहुँच पाए तहाँ जो मर्जी करी वह छुई। हाँ। बिना मर्जी ना के उठाए, लेकिन जहाँ देख को हरा दे तहाँ दौड़ल दौड़ल जाब, चाहे बुढ़िया रहे नहीं रहे राबो करे ना दौड़ पहिए बुढ़िया टिन तहाँ लपक के उठा लेला बैठा देला, नहीं बैठा पाए तो उठा के सीधा कह देब रगरे ना पावल मुँह। अब वह असर हमारो आदमी के ऊपर पहुँच गए बा, वो जो 4 महीना चिक्कन रहे थे हमारे आदमी को उठा पटक दीजिए हैं पैते हैं। जैसा कि आपने देखा दीनानाथ जो रोग मिर्गी नामक रोग है उससे कितना पीड़ित है और सामाजिक और मानसिक भी तनाव है उनके, गरीबी की वजह से वो दवा भी नहीं करवा सकते हैं। और मैं अपील करती हूँ कि चिकित्सा अधिकारी के पास कॉल करके इस नंबर पर कॉल करें 9415228 3214। मैं रीना गौर, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।